गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को क्लास सेकेंड के कुछ जीके के क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ। तो चलिए जीके के क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज अ बेबी फ्रॉग कॉल्ड? व्हाट इज अ बेबी फ्रॉग कॉल्ड? फ्रॉग मतलब मेढक। फ्रॉग मतलब क्या होता है बच्चों? मेढक। मेढक आप लोग देखे हो मेढक, तो मेढक के बच्चे को क्या कहते हैं? टैडपोल। क्या कहते हैं? टैडपोल। क्या कहते हैं? टैडपोल। ओके, वेयर डज अ पिग लिव? पिग जो है, पिग कहाँ रहता है? कहाँ रहती है पिग? स्टे में। कहाँ? स्टे में। विच एनिमल इज नोन एज द शिप ऑफ डेजर्ट? कौन सी एनिमल है जिसे हम शिप ऑफ डेजर्ट यानी रेगिस्तान का जहाज के नाम से जानते हैं? कैमल। ऊंट को जानते हैं क्योंकि ऊंट सबसे ज्यादा डेजर्ट में ही पाया जाता है। ओके, रेगिस्तान में पाया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? शिप ऑफ डेजर्ट। ओके, What do you call person who brings letter to your home from post office? कौन person है जो आपके letter को post office से घर ला कर देते हैं? Postman, डाकिया। डाकिया जो है वो post office से हमारे letters को हमारे घर के address पे पहुंचाते हैं। Okay, adults have a total of 34 teeth. True या false? एडल्ट के टोटल जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं, 34 होते हैं? नो, ओनली 32। आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स, क्योंकि एडल्ट के कितने दांत होते हैं? 32 होते हैं। ओके, देयर आर डैश डेज इन मे? मई में कितने दिन होते हैं? 31। बच्चों चलो ये मैं सिखा देती हूँ कि निकालते कैसे। देखो ये मेरे हैंड देखो। ओके, ये जो है ना ये जनवरी है, यहां से करना, यहां से कभी नहीं स्टार्ट करते। ये जनवरी हो गया, ये फरवरी हो गया, ठीक है? तो जो फरवरी होता है ना बच्चा, या तो 28 डेज का होता है या 29 डेज का होता है, ठीक है? 28 डेज कब होगा? लीप ईयर में। और 29 जब लीप ईयर ना हो, लीप ईयर में 29 होता है और बिना लीप ईयर में 28 होता है। ओके, जनवरी कितना होता है? 31। जनवरी कितना होता है? 31। ओके, ये हो गया फरवरी बीच वाला। फिर ये मार्च, देखो ऊपर की ओर जब भी हो ना तो ये 31 का होगा, ध्यान रख लेना। फिंगर से करना, हाथ को अपने अपने हैंड से करो। ये देखो ऊपर उठा हुआ है 31, जो डाउन है ये 28 या 29। ओनली फेब के केस में होगा, फरवरी के केस में। ये देखो फिर से हम लोग अप की ओर है, ये मार्च हो गया, यानी मार्च में 31। जब भी अप जाएगा तो 31 आएगा। फिर से देखो डाउन हो रहा है, फिर से डाउन, डाउन में अब मार्च के बाद क्या था? अप्रैल। अप्रैल में 30। ओके, मई देखो फिर से अप हो गया, अप में 31। ओके, फिर से देखो डाउन हो रहा है, मई के बाद जून, जून में 30, जून में 30, डाउन हो गया ना 30। जुलाई, जुलाई में फिर से 31, क्योंकि अप हो चुका है, ऊपर की ओर उठ गया। जुलाई के बाद अगस्त, यहीं से स्टार्ट करोगे, अगस्त 31, अप है ना, अप है ना, तो 31। फिर से डाउन है तो अगस्त, सितंबर 30 का हो जाएगा, अक्टूबर 31 क्योंकि अप हो गया, नवंबर डाउन है, नवंबर डाउन है तो 30, और दिसंबर, दिसंबर क्या होगा? 31। तो जब भी बच्चा अप होगा वो 31 के होते हैं, डाउन वाले में सिर्फ एक फरवरी ही है जो 28 और 29 का होता है, बाकी सारे आपके 30 के ही होते हैं। कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है बच्चों, ये सीख लो। ये अप है तो 31, डाउन है तो 28 या 29, सिर्फ फरवरी के महीने में बच्चों। ये आपका मार्च है 31, अप है, ठीक है? फिर से डाउन है तो 30, फिर से अप है तो 31, डाउन है तो 30, अप है तो 31। दो ऐसे महीने होते हैं जिसके 31 डेज होते हैं, जुलाई और अगस्त, ठीक है? क्योंकि देखो जुलाई यहाँ पे आता है और अगस्त फिर यहाँ पे आता है, तो इन दोनों जो डेज होते हैं 31 डेज होते हैं। ओके, आई होप अब आप लोग को समझ आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाफ ऑफ 50 इज, 50 के हाफ कितना होता है? 25 होता है। ओके, कितने होते हैं? 25 होते हैं। प्लांट गिव्स अस, प्लांट हमें क्या देता है बच्चों? ऑक्सीजन या कार्बोहाइड्रेट्स? ऑक्सीजन। कैसे? जो हम लोग ब्रीथिंग लेते हैं वो ऑक्सीजन ही तो लेते हैं, तो वो हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। अब आपको बताना, फाइंड आउट विच वन इज ऑड इन सर्कल द ओल्ड वन। मेडिसिन, इंजेक्शन, ऑइंटमेंट और लैपटॉप, इनमें से कौन अलग है? देखो मेडिसिन, जब हम बीमार होते हैं तो मेडिसिन लेते हैं, इंजेक्शंस लेते हैं, अगर आपको कोई घाव हो जाए, जख्म हो जाए तो आप मरहम लगाते हो। ऑइंटमेंट का मतलब होता है मरहम। क्या होता है बच्चों? मरहम। तो ये तीनों चीजें तो एक है ना,
क्योंकि हम बीमार होते हैं तो मेडिसिन का भी यूज होता है, इंजेक्शन भी लगता है, और अगर हम किसी भी तरह से हमें इंजरी हो जाता है, घाव हो जाती है, तो मरहम लगाते हैं। तो लैपटॉप क्या है? अलग है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? लैपटॉप। क्योंकि बीमार पड़ते हैं तो लैपटॉप का कोई भी कनेक्शन नहीं है। चलो नेक्स्ट है ब्रिंजल, पोटैटो, कैबेज, चॉकलेट। ब्रिंजल मीन्स बैगन, पोटैटो मीन्स आलू, कैबेज मीन्स गोभी। तो ये तीनों चीज सब्जी का है, और चॉकलेट क्या है? सब्जी खानी है ना, तो ये आपका ऑड वन आउट हो जाएगा। ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, फोटोग्राफ। देखो ब्रेकफास्ट सुबह उठ के करते हो, डिनर नाइट में करते हो, फिर लंच दोपहर में करते हो, तीनों खाने से रिलेटेड है, और फोटोग्राफर खाने से रिलेटेड नहीं है, इसलिए आपका बच्चा ऑड वन आउट हो गया। अंजलि, अनुराधा, अवंतिका, अविनाश। अंजलि, अनुराधा और अवंतिका ये तीनों गर्ल्स का नाम है, लेकिन अविनाश बॉय का नाम है, इसलिए इसमें अविनाश जो होगा आपका ऑड वन आउट हो जाएगा। ओके बच्चों, आई होप आप लोगों का जीके का क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसे लर्न करें, कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दें। बाय बाय, टेक केयर।